नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया गुप्ता। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट घोषित हो चुका है, आज हम उसी सिलसिले में यहां पे पहुंच चुके हैं। एक्सीलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि काफी ये शहर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है और हम यहाँ पे बात करते हैं जो इस बार रिजल्ट में अच्छे परिणाम जो लेकर आए हैं विद्यार्थी, उन लोगों से बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की तैयारी कैसी रही, क्या कुछ उन लोगों ने मेहनत किया, ये सब तमाम जानकारी हम लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात पांडे है। आप एक्सीलेंट एजुकेशन में पढ़ते हैं, तो इस बार अभी आप किस क्लास में हैं? क्या आप एग्जाम दे चुके हैं या अभी देने वाले हैं? मैं अभी क्लास 10th का एक छात्र था। मेरा 2024 में एग्जाम हुआ और मैंने 432 नंबर ला के एक अच्छा रिजल्ट लाया। 432 नंबर, 432 आया। इसका श्रेय मैं अपने गुरुजन, माता पिता और समाज के सभी उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इस मुकाम में हासिल होने के लिए प्रेरित किया। आप 432 अंक लाने के पीछे आपका मेहनत कितना दिन का रहा? क्या आप 10th में गए तब से आप तैयारी कर रहे हैं या फिर 10th के पहले से आपकी तैयारी चल रही थी? मैंने 9th में आने से पहले ही सोचा था कि 10th में एक अच्छा रिजल्ट ला के अपने गाँव समाज का नाम रोशन करूंगा। मैंने 10th के प्रारंभिक माह से ही अपना परीक्षा के लिए अपना जो मेहनत है उसको चालू कर दिया था। मैंने शुरू के माह से ही थोड़ा थोड़ा मेहनत करना शुरू किया था। आप जानते हैं कि गहरा में थोड़ा थोड़ा पानी डालने से वो एक ना एक दिन भर जाता है, इसीलिए मैंने शुरू से ही थोड़ा थोड़ा मेहनत किया, जिसके तहत मैंने नवंबर महीना तक अपना टोटल सिलेबस खत्म कर दिया और 2 महीना मैंने पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व किया और उसका रिवीजन किया। जैसे बोलते हैं बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है, आप ठीक वैसे ही अपना पढ़ाई शुरू करके और एक बेहतर रिजल्ट आपने दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। मेरे पिताजी का नाम सुपिंदु प्रसाद है। जी, आपका क्या मार्क्स? मेरा 454 मार्क्स है। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इतने अंक प्राप्त करने का श्रेय अपने माता पिता, हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन के टीचर श्री कृष्णा सर एवं धनंजय सर को देना चाहते हैं। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या था पढ़ाई का? कितना टाइम पढ़ाई करते थे? ये तो फिक्स नहीं था मैं। कितने घंटे? फिर भी एक होगा ना कि हाँ 8 घंटे 10 घंटे? देखिए, समय मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि कॉन्सेप्ट एक ही घंटे में क्लियर हो जाए तो बच्चा अच्छा रिजल्ट ला सकता है। अगर कॉन्सेप्ट किसी किसी का देखिए, कोई कोई 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है लेकिन तब पर भी वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाता है, लेकिन कोई कोई होता है कि 4-5 घंटा पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स ला देता है। ये इसका मतलब है कि किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमेशा से सही मार्क्स आना निश्चित है। हम देखते हैं कि जब ये अभी शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उससे ज्यादा कहीं मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है वो मार्क्स ला रहे हैं इस बार। तो आइए जानते हैं, ये जो अभी युग चल रहा है मतलब डिजिटल का, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उसके दौर में यहाँ के बच्चे किस तरह से उससे बच के इतना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, ये सब तमाम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। इस बार अभी जो सोशल मीडिया चल रहा है काफी एक्टिव है, चलाते हैं कि नहीं? नो मैम, नहीं चलाते हैं। चलिए, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं पहला देख रही हूँ कि सोशल मीडिया से दूर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है आपका मार्क्स अभी क्या है? सबसे पहले 395 है। 395, चलिए बहुत अच्छा है। 395 मार्क्स है। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम टाइम फिक्स नहीं था, यही सोच रहे थे कि जितना सिलेबस है उसको पहले कोऑपरेट करना है, उसके बाद PYQ पे जाते फोकस कर। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? फेवरेट साइंस। साइंस है। साइंस में कौन सा? साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री फेवरेट। तीनों। चलिए बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार आपका क्या मार्क्स आया? मैम, हमको 400+ मार्क्स लाना है। 400+ अभी लाए हैं या फिर लाना है? नहीं, अभी कम लाया है, मैं सोच रहा है कि 12th में और ज्यादा लाए। अच्छा, 12th में ज्यादा लाना है, तो 10th में क्या था? मैम, 10th में 275 था। कोई बात नहीं, मेहनत किया आपने, फिर से आप 12th में ज्यादा मेहनत करेंगे। ज्यादा मेहनत करके अंक प्राप्त करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? विशाल कुमार। अभी आप 10th का एग्जाम दे दिए? नहीं, अभी देने वाले हैं। देने वाले 12th। अभी 12th का देने वाले हैं। चलिए, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो बढ़िया ही चल रही है। तैयारी बढ़िया चल रही है। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है एक्सीलेंट एजुकेशन, इसमें पढ़ाई किस तरह से होती है? बढ़िया ही होती है। देखिए, यहाँ पे की डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था है। अधिकतर संस्था में जैसे कि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था मिलते हुए आप अपनी तैयारी को कितना निखार लाएंगे 12th में? सोच रहा है कि 350+ का तने मारती है, बल्कि उससे भी ज्यादा आ सके। और यही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे स्टूडेंट है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजचंद्र कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष कुमार। इनका एग्जाम दे दिए?
सेम इस बार 2023 इस बार तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हुई है। लगी है, कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? टाइम तो फिक्स नहीं है, बट जितना में हो जाए, उसके बाद जितना समय में मैं पढ़ लूँ, उसके बाद जितना रिविजन हो जाए, लगभग 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा साइंस है। कितना मार्क्स लाने का चांस है इस बार? हमको 480 से ऊपर ही लाना है। 480। साइंस में कितना आ जाना चाहिए? साइंस में 90% पूरा आ जाता है। 90%। आपका क्या शेड्यूल है पढ़ाई करने का? अभी काफी सुनने को आया कि आप पढ़ने में यहाँ पे इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। यहाँ भी हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम हम आए थे तो हमको लगा था कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए तो मेरा मतलब मेरा जो घर है उसका मतलब जो मेरे पापा नहीं है, ठीक है, तो मेरे को सर इतना सपोर्ट किए ना कि तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और पापा मम्मी का नाम रोशन करना इस बार। यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी रानी है। तैयारी चल रही है? यस। आप अपने सीनियर से क्या सीख लेना चाहेंगी जो अभी इतना अच्छा मार्क्स ले आए हैं? मैं इनसे यही सीख लेना चाहती हूँ कि मतलब इनसे ज्यादा अंक ला के मैं अपने माता पिता और गुरुजन का नाम रोशन करूँ। यहाँ के जो टीचर्स हैं एक्सीलेंट एजुकेशन के, जो कृष्णा सर जिनका नाम काफी चर्चे में है, तो आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से उनका पढ़ाई है, आपको कैसा लगता है? मुझे इनका बहुत अच्छा पढ़ाई चलता है, धनंजय सर और कृष्णा सर का, क्योंकि ये हम पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं बहुत अच्छा तरीके से। अगर आपका लक्ष्य मतलब लक्ष्य भटकने लगा तो इसलिए भी मोटिवेट करते हैं कि अपने रास्ते पे आए, तो इसलिए मुझे यहाँ बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे 10th का एग्जाम कौन कौन दिए हुए? 388 नंबर। 388। तो कैसा लग रहा है, आपका तैयारी कैसा चल रहा था? मैं जो तैयारी से शुरू में थोड़ा वीक था, और बीच में जब मैट्रिक का जैसे परीक्षा से 2-3 महीना बचा था, तो हमारा सबसे कमजोर विषय मैथ था, उसमें हमने पूरा फुल फोकस किए थे, लगभग 2 महीना पूरा पढ़े मैथ में, और हमारा सर जो थे मैथ को पढ़ाने में काफी हमारा लास्ट टाइम बहुत मदद किए। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? साइंस है। हाईएस्ट मार्क्स जो है किसमें आया? साइंस में आया। कितना मार्क्स आया? 88 नंबर। 84 नंबर। अच्छा, आप अपने जूनियर को क्या सीख देंगे कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें किस तरह से वो पढ़ाई करे, किस तरह से बेहतर रिजल्ट लाए अपना? हम जूनियर को यही सीख देंगे कि जो अभी से मतलब हम जैसे शुरू में पढ़ाई नहीं किए थे, जो मेरा मार्क्स अभी कम रहे, मेरा जो सपना था 400+ था, 400+ नहीं रहता है। हम जूनियर को यही सीख देंगे कि शुरू से ही पढ़े। शुरू से पढ़ने में ये होता है कि जब लास्ट में आप जाएगा, आपको जोर नहीं पड़ेगा, आप बढ़िया से एकदम खुलियाम पढ़ सके, क्योंकि लास्ट में जो होता है ना, ज्यादा चीज को आदमी टेंशन के कारण आदमी का याद नहीं हो पाता है, कुछ भी सब्जेक्ट जैसे कोई भी टॉपिक को याद नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पाते, इसलिए सोचे कि हम छोटे स्टूडेंट की शुरू से ही मेहनत से करके पढ़े और आगे चल के हमसे भी ज्यादा अव्वल मार्क्स लाए। अच्छा, अभी जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है उससे आप कैसे बचे? देखिए, आप यूज करते हैं सोशल मीडिया? हाँ, हम सोशल मीडिया यूट्यूब पे अपना भी चैनल यूज करते हैं, लेकिन वही एक टाइम होता है, जैसे पढ़ने का जो मेरा टाइम है वो अलग है, चैनल यूज करते अलग है, अपने ऑफिशियल लाइफ अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं सोशल मीडिया से, खास कर ज्यादा कोशिश करते हैं कि 1 से 2 ही घंटा। आजकल के बच्चे को देख रहे हैं कि अधिकतर सोशल मीडिया पे रील्स बनाना, वीडियो डालना, फोटोज डालना, क्या आप उससे भी रिलेटेड काम करते थे? जी, हम कभी कभी 1-2 रील्स डाल दिया करते थे। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनंत कुमार है। 10th एग्जाम दे दिए? कितना मार्क्स आया? मेरा 461 मार्क्स आया। 461। कैसा लग रहा है आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपका पहले से उम्मीद था कि इतना मार्क्स आएगा या इससे भी ज्यादा था? मेरा उम्मीद था कि मैं कम से कम टॉप ऑफ एजुकेशन में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा 4 मार्क्स कम है जिसके कारण मैं नहीं जा पाया। अच्छा, तो आपका पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो क्या था? मेरा पढ़ाई का शेड्यूल मैं शुरू से ही मतलब अपने सिलेबस को देखते हुए पढ़ता था, और मैं अपने सिलेबस को देखते हुए नवंबर तक मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था, और हमारे जो या एक्सीलेंट एजुकेशन के टीचर है कृष्णा सर और धनंजय सर, वो हमेशा से ही हम लोगों को शुरू से ही टेस्ट सीट लेते थे और चैप्टर वाइज नोट्स देते थे, उसके बाद हर एक विषय का हम लोग का कंसेप्ट क्लियर करते थे, जिसके कारण मुझे लास्ट में बहुत मदद मिली और मैं अपने परीक्षा फल का। सबसे ज्यादा आप श्रेय किसे देना चाहेंगे, घर वालों का या फिर यहाँ के टीचर्स का? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और यहाँ का श्री कृष्णा सर और धनंजय सर देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।